राजधानी देहरादून में दिव्यांगों को कोचिंग देकर के मिसाल पेश कर रहे हैं ग्रीस पटवाल जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनके बारे में आपको बता देते हैं, वैसे तो ये एक नॉर्मल क्रिकेट खिलाड़ियों के कोच हैं, पूर्व में रणजी प्लेयर भी रह चुके हैं और BCCI के लेवल ए कोच भी हैं। पटवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और जिस प्रकार से आपका लगाव है दिव्यांगों के प्रति और पिछले 6 सालों से जो लगातार आप ये सराहनीय कार्य कर रहे हैं दिव्यांगों को क्रिकेट कोचिंग देने का, और बात कर ली जाए तो अलग अलग स्टेट्स में उनको ग्राउंड भी प्रोवाइड करा रहे हैं, उनके मैच भी करा रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं सक्षम भी बना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप और किस प्रकार से आपने इस पहल की शुरुआत की? थैंक यू सर, आपने जो मुझे अवसर प्रदान किया। सर, मैं एक बहुत ही मध्यम परिवार में जन्मा हूँ और बचपन से जनपद अल्मोड़ा में मेरी शिक्षा हुई, उसके बाद मैं गाजियाबाद चले गया, तो जहाँ मैंने अपनी क्रिकेट की शुरुआत करी। और सर, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 22 जैसी अच्छे लेवल की बोर्ड की क्रिकेट ट्रॉफीज मैंने खेली है, उसके बाद रणजी ट्रॉफी राजस्थान से मैंने खेला, गोवा से रणजी ट्रॉफी मैंने कैंप भी किया। सामान लाने के लिए बहुत सारे करो या मरो के मुकाबले में डू ऑर डाई, थोड़ा पारिवारिक परिस्थिति मेरी नौकरी भी करी, प्राइवेट नौकरियां भी करी सर, धीरे धीरे बना तो मैंने क्रिकेट अच्छे मतलब प्रदर्शन दिए जिस स्टेट से मैं क्रिकेट खेला। उसके बाद सर धीरे धीरे मैं कोचिंग की तरफ आ गया, तो मैंने सोचा भी मैं किसी तरह, तो मैं नॉर्मल प्लेयर का कोच हुआ, मैंने BCCI के लेवल एक कोच भी कोर्स पास किया एम सर। इसके उपरांत मैंने जब इनके साथ साथ नॉर्मल के साथ, मुझे बचपन से ही डिसेबल्स क्रिकेटर दिव्यांगों के लिए बहुत लगाव था, तो सर मैंने इनके लिए देहरादून में एक मेरे मित्र हैं उनसे मैंने आग्रह किया कि आप सुबह मुझे दिव्यांगों को ट्रेन करने के लिए अपनी एकेडमी दे दें, जो भी आपका किराया होगा मैं वहन करूंगा। उन्होंने भी मेरी मदद करी, तो सर मैंने 4-5 लड़कों से दिव्यांगों से शुरू करा और आज 150 के करीब 160 लड़के मेरे पास हैं जो पूरे उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों से हैं, जिसमें सर मैंने कई लड़के राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा दिए। बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर तक आपने पहुंचाए हैं, 160 दिव्यांग जो क्रिकेट प्लेयर हैं उनको आप लगातार कोचिंग दे रहे हैं। सर, बात की जाए प्लेटफॉर्म की तो काफ़ी सारे टूर्नामेंट भी आप आयोजित कराते हैं, अभी तक कितने बड़े टूर्नामेंट कराए जा चुके हैं, किन किन स्टेट्स से जो दिव्यांग प्लेयर हैं वो उत्तराखंड खेलने आ चुके हैं? सर, मैंने पिछले 6 वर्षों में देहरादून और उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों में 6 से 7 राष्ट्रीय स्तर के T20 ट्रायंगुलर क्रिकेट सीरीज, जिसमें हिमाचल, कर्नाटक, बड़ौदा, बड़े बड़े स्टेट्स, दिल्ली, जिसमें वर्ल्ड कप खेले हुए प्लेयर भी हैं, डिसेबल स्टैंडिंग के प्लेयर, मैंने यहाँ आयोजन कराए हैं। रुद्रपुर में मैंने कराया है, गढ़वाल और कुमाऊं के मैचेस भी मैंने कराए, जिससे बहुत अच्छी प्रतिभाएं आगे आई और जिसमें हमारे राज्य की माननीय खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी भी 2 या 3 बार आ चुकी हैं, माननीय सौरभ बहुगुणा जी और विशिष्ट अतिगण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर भी मैंने इन दिव्यांग प्लेयर्स के हौसला बढ़ाने के लिए बुलाया और मैंने इनको बोर्ड क्रिकेट वाले ग्राउंड उपलब्ध कराए, वो सुविधाएं मैंने इनको रहने खाने की दी, जिनको मैंने, आप समझ सकते हैं सर, किसी 3 टीमों का टूर्नामेंट कराना, उनका रहना है, टीम्स का खाना है, ड्रेस, बहुत मतलब मुश्किल दौर से मैंने ये आयोजन कराया और बहुत सफल हुए आयोजन। बिल्कुल सर, बहुत सारे दर्शकों को ऐसा भी जरूर लगता है कि जो दिव्यांग का क्रिकेट है या जो दिव्यांग प्रैक्टिस करते हैं, कोचिंग लेते हैं, वो नॉर्मल प्लेयर्स से थोड़ी अलग होगी, तो ऐसे में किन चीज़ों से उनको प्रैक्टिस कराई जाती है? क्या उनका बॉल अलग होता है, क्या उनका बैट अलग होता है, या उनका खेलने का स्टाइल अलग होता है, तो थोड़ा सा इस प्रैक्टिस के बारे में हमें बताइए। सर, डिफरेंटली एबल्स जो प्लेयर हैं या डिसेबल क्रिकेटर्स कह लीजिए, इसमें कई क्राइटेरिया हैं, जैसे स्टैंडिंग, व्हीलचेयर, ब्लाइंड, डिफेंटम, कई कैटेगरीज इसमें हैं। और हम जो स्टैंडिंग और व्हीलचेयर का करा रहे हैं सर, स्टैंडिंग के जो मैचेस होते हैं, स्टैंडिंग जो कैटेगरीज है, ये सेम रूल्स, सेम ग्राउंड, सेम फंक्शन सारे नॉर्मल प्लेयर्स करें, वही बॉल, वही बैट, सारे रूल्स। हाँ सर, अगर व्हीलचेयर क्रिकेट की हम बात कर लें, थोड़ा सा डिफिकल्टी उनके साथ, उनका ग्राउंड छोटा होता है, उनकी बॉल का मेजरमेंट अलग होता है, ग्राउंड का मेजरमेंट अलग होता है और उनकी थोड़ी से रूल्स स्टैंडिंग क्रिकेट से अलग होते हैं सर। जी सर। और सर, प्रैक्टिस की बात करिए, जो स्टैंडिंग वाले प्लेयर हैं वही पिच है, वही ग्राउंड उनकी क्रिकेट का है, और हैंडीकैप्स का भी ग्राउंड वही होता है, थोड़ा उसकी जो बाउंड्रीज होती है वो छोटी होती है।
बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए गिरीश पटवाल जी से हमने बातचीत की है, लगातार उत्तराखंड के दिव्यांगों को क्रिकेट की कोचिंग दे रहे हैं, अब ये प्रयास वो नेशनल लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं। पूरे देश भर के दिव्यांगजनों को जो क्रिकेट खेलने का शौक रखते हैं या जो क्रिकेट के प्लेयर हैं, डिसेबल प्लेयर्स को जो है क्रिकेट की कोचिंग देने के लिए, उनकी तरफ से ये प्रयास लगातार जारी है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लोकल 18 के लिए मैं देहरादून से अर्शद खान।